है टूटला। हर राइड पे कुछ ना कुछ होना मैंडेटरी है, ऐसा क्या करें। सो गाइस, बड़ा चेंज इन प्लान, वर्चुअल ड्राइविंग लाइसेंस। मेरे को एक समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बाइक वालों को क्यों पकड़ रही है सिर्फ। ये यहाँ पे जट्टी है और ये है इनका वॉशरूम पार्किंग एरिया। कुठे है? अरे जनरेटर बॉक्स है तो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज फिर से हम लोग राइड करने वाले, मैं और अजिंक्य, बहुत दिनों के बाद साथ में राइड कर रहे हैं। सो आज हम लोग जा रहे हैं कोरलई फोर्ट। लास्ट टाइम मैं गया था, तभी अजिंक्य नहीं था मेरे साथ, और भी बाकी लोग थे। इस बार मैं और अजिंक्य सिर्फ सनसेट देखने के लिए जा रहे हैं, और आज है संडे, संडे राइड भी हो जाएगी, मौसम भी अच्छा है। सो सोचा कि निकल जाते हैं। अभी टाइम हो रहा है 3, दोपहर के 3 बज रहे हैं, और हम लोग सनसेट देख के रिटर्न आ जाएंगे, आराम से जाएंगे। रेडी रेडी रेडी, लेट्स गो। चलो सो निकलते हैं अभी, बहुत दिनों के बाद अजिंक्य मिला है, राइड कर रहे हैं साथ में। लास्ट टाइम हम लोग कोरले गए थे, लेकिन वहाँ पे फोर्ट बंद था जब अनलॉक हुआ था, तो स्टार्टिंग में गए इसके लिए बंद था। उसके बाद आज हम लोग जा रहे हैं डायरेक्ट, मेरे को पेट्रोल भराना है पहले, और उसके बाद फिर आगे जाएंगे। लेट्स गो। पेट्रोल भी भर के हो गया, अभी कोई टेंशन नहीं, डायरेक्ट जाएंगे हम लोग। क्या है कि मेरे को शाम को निकलने को थोड़ा मज़ा आता है, इसके लिए मैं अभी निकल रहा हूँ, क्योंकि सुबह धूप रहती है थोड़ी, और अपने को ज़्यादा टाइम वहाँ पे स्पेंड करना है नहीं, सिर्फ सनसेट देख के रिटर्न आने वाले हम लोग। इसके लिए फिर 3 बजे अच्छा टाइम लगा, और आज स्पेशली गर्मी नहीं है, सुबह से क्लाउडी है वेदर, मज़ा आने वाला है राइड पे। हाँ, सिर्फ थोड़ा ह्यूमिड है, बाकी हवा नॉर्मल चल रही है, ज़्यादा गर्म नहीं, ज़्यादा ठंडी नहीं। तो आज है संडे, और संडे के दिन जो बाइकर्स रहते हैं वो सुबह जाते हैं ब्रेकफास्ट राइड के लिए, हम लोग इवनिंग ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे कोरली। ये प्लान हमारा ऐसे ही कल परसों बन गया था कि कोरली जाते हैं, सनसेट देख के आते हैं, क्योंकि इगतपुरी साइड ऑलमोस्ट बहुत बार किया है। खंडाला लोनावाला तो पूछो ही मत, मतलब ऐसे ही होता था वो भी, ये भी हुआ है बहुत बार, लेकिन कोरली जो पार्ट है वो साइड ज़्यादा हम लोग गए नहीं है, एक या दो बार ही गए हैं। इसके लिए फिर अभी सोचा वहाँ पे जाते हैं। अभी 3:18 हो रहे हैं, एंड हमें ऑलमोस्ट 5 से 5:15 तक वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। अरे है टूटला। अरे हाँ, अरे टाकून देतो काय, ते निघणार नाही, मला नाही वाटत निघेल, पण त्याच्यावर राहणार, निघणार नाही ते गेल्यावर। एजेजी, हमारे ग्रुप में मेरी सेकंड गाड़ी है जिसका ये प्रॉब्लम आ रहा है, और अभी वो आवाज़ करेगा वाइब्रेशन से, सिर्फ निकल ना जाए बस। क्या यार, इतना मजबूत लाइट लेके माउंट ऐसा देते हैं यार इसको। हम लोग अभी है पोयनाड में, हर राइड पे कुछ ना कुछ होना मैंडेटरी है, ऐसा क्या करें। काम तो हो गया इसका, टेम्पररी है बट ठीक है, वाइजर डाल दिया उसमें, चलो थैंक यू। हाँ, इधर ही कर लिया, चलो अभी कोई टेंशन नहीं है। वो कह रहे थे ना ये वाइब्रेशन बहुत है, मैंने रबर डाल के रखा है उसमें, फिर भी वो माउंट टूट गया, कोई नहीं, होता रहता है। अभी दूसरा कुछ हो जाता था। सो गाइस, बड़ा चेंज इन प्लान,
हम लोग जा रहे हैं मांडवा, क्योंकि मांडवा यहाँ से है 17 किलोमीटर और कुरलई फोर्ट है यहाँ से 30 किलोमीटर, लेकिन 30 किलोमीटर के लिए 1 घंटा बता रहे। सो वी हैव डिसाइडेड कि मांडवा जाते हैं, अंधेरा अभी हो जाएगा तो वहाँ पे भी जाके मतलब नहीं है, वी विल लिव आफ्टर सनसेट, तो सही रहेगा यही। इसके लिए अभी हम लोग मांडवा जाएंगे। थैंक यू सर। प्लान था कुरलई का, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया है अभी। लाइसेंस मांग रहे, बाकी कुछ नहीं, नथिंग एल्स, अपने पास सब है। वर्चुअल ड्राइविंग लाइसेंस, मेरे को एक समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बाइक वालों को क्यों पकड़ रही है सिर्फ, ये देखो और हमें जाने दो सर जी। हो गया क्लियर, लाइसेंस मांग रहे थे, बाकी कुछ नहीं। मेरे को एक समझ में नहीं आता है, ऑल दो उनकी ड्यूटी तो है वो चेक करना, ठीक है, बट इतना सब गेटअप वेटअप सूट वूट में जब कोई आता है तो आई डोंट थिंक कि वो बिना लाइसेंस का या फिर बिना पेपर क्लियर किए आएगा। सो ठीक है, वो उनका काम कर रहे हैं, अपना काम है सब फॉलो करना, रूल्स फॉलो करना, बाकी कुछ नहीं। क्या खूबसूरत है रास्ता ये, और मेन मतलब आज गर्मी बिल्कुल नहीं हो रही है, हाँ थोड़ा सा चिपचिप हो रहा है क्योंकि बीच के साइड में है ये पूरा एरिया, इसके लिए उतना ह्यूमिड लग रहा है, बट हवा जो है वो बहुत सही है, ठंडी ठंडी हवा है, ऐसा बहुत गर्म नहीं हो रहा है। फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मांडवा बीच, और यहाँ पे हम लोग सेकंड टाइम आ रहे हैं। बेसिकली मैंने आपको पहले भी बोला कि हम लोग जाने वाले थे कुरलई, लेकिन थोड़ा और टाइम लगता था इसके लिए फिर हम लोग गए नहीं, तो अभी यहाँ पे ही एंजॉय करेंगे, थोड़ा वीडियो फोटोग्राफी करेंगे। और ये जो है ये है M2M फेरी, मेमोरीज रिफ्रेश हो गई यहाँ पे आके, हम लोग ग्रुप में आए थे 1 साल पहले आई गेस, तो अभी सेकंड टाइम यहाँ पे आ रहे हैं। इस पिछले बार अजिंक्य नहीं था, बाकी सब थे, इस बार अजिंक्य है बाकी कोई भी नहीं है। थोड़ा सनसेट देखेंगे और उसके बाद फिर निकलेंगे। चलो सनसेट हो गया है, और जैसे आप देख रहे हो अभी भी हो रहा है धीरे धीरे, बैटरी ख़त्म हो गई है एक, अभी दूसरी डालेंगे, एंड मज़ा आया। यस बहुत मज़ा आया, बहुत दिनों के बाद राइड किया, ऑसम। और अभी प्लान ऐसा है कि कुछ नाश्ता करेंगे, चाय कॉफ़ी लेंगे और उसके बाद घर की ओर बढ़ेंगे। लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तो वहाँ पे रुके थे, इंस्टाग्राम पे अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो आप जाके फॉलो कर सकते हो, एंड वहाँ पे भी फोटोज एंड वीडियोज रील्स देख सकते हो। सबसे पहले जाना है वॉशरूम, ये यहाँ पे जेट्टी है और ये है इनका वॉशरूम पार्किंग एरिया। कुटे है? अरे जनरेटर बॉक्स है तो कुटे कर लावते रे ना, जिथे हॉटेल ला थांबू ना तिथे असेल। तो अभी रुके हैं नाश्ता करने के लिए, जैसे आप मेन रोड पे लगोगे तो वैसे ही आपको राइट साइड में ये होटल दिख जाएगा, बहुत सुंदर है। कभी कभी अनप्लान ट्रिप्स भी बहुत सही रहते हैं, जैसे अभी मैंने प्लान किया था कि हम लोग कुरलई जाएंगे, लेकिन हम लोग आ गए यहाँ पे मांडवा बीच। मांडवा बीच पे भी हमने बहुत एंजॉय किया। सो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पनवेल के पास, और यहाँ पे ही मैं हमेशा वीडियो एंड करता हूँ, यहाँ पे नहीं तो आगे। अजिंक्य
ये साइड में आ जाओ। कैसा लगा राइड करके? फुल पावर मज़ा आ गया, बहुत दिनों बाद राइड किया, ऑसम। आवाज़ गाड़ियों का बहुत ज़्यादा है एंड अपनी गाड़ी भी टकाटक चकाचक है अभी तक। ये जुगाड़ ने बचा लिया, नहीं तो फिर मुश्किल था थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा मुश्किल रहता था। गाइज ये वीडियो मैं यही पे एंड करता हूँ, अगर अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कर सकते हो, नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, कुछ क्वेश्चन रहेगा तो एज यूजुअल कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, एज ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड कीप गोइंग।